नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको राष्ट्रपति और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बता रही हूँ। विद्यार्थियों, रीट एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे वो SSC ले लो, चाहे वो लेक्चर ले लो, सभी में राष्ट्रपति से संबंधित इन महत्वपूर्ण तथ्यों में से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो आप चाहते हैं कि मैं राष्ट्रपति और उससे जुड़े मुद्दों के बारे में आपको समझाऊं, तो आप मेरे इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाया है इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे विद्यार्थियों। तो आज हम राष्ट्रपति एवं उससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, राष्ट्रपति पद का सृजन 1950 में 24 जनवरी 1950 में भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी मेंबर रहे हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसको बाबू के नाम से भी जाना जाता है, इनको 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। और अब तक के कार्यकाल में सबसे बड़ा कार्यकाल भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का माना जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका कार्यकाल रहा 1950 से लेकर के 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले अब तक के राष्ट्रपतियों का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर होगा विद्यार्थियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक अवधि पर राष्ट्रपति पद पर रहने वाले राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखना है, देश के प्रथम राष्ट्रपति, सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति, संविधान सभा के मेंबर भी थे, और ध्यान रखना है नेहरू जी को 3 बार शपथ दिलाने वाले भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा आता है विद्यार्थियों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम बात करें तो ये 1962 से लेकर के 1967 तक हमारे भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे, और भारत के प्रथम ऐसे उपराष्ट्रपति जो कि उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने वो कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन थे, जो भारत के क्या बने? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, दार्शनिक राजा। ये इनके विचार दार्शनिक आधार पर आधारित थे, इसीलिए सर्वपल्ली राधा कृष्णन को दार्शनिक राजा के नाम से भी जाना जाता था। ये प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता जा चुका है कि भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसे दार्शनिक राजा की उपाधि प्राप्त है। तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जिनको दार्शनिक राजा भी कहा जाता है। उसके बाद आता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न दिया गया, राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भारत रत्न दिया गया था। तो भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न मिला है वो भी आपके कौन है? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। उसके बाद आता है दक्षिणी भारत के प्रथम राष्ट्रपति, दक्षिणी भारत से बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे। तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आधार की भूमिका निभाएंगे। एग्जाम्स में नंबर प्राप्त, नंबर दिलवाने का कार्य करते हैं ये महत्वपूर्ण तथ्य। तो ध्यान रखना है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी बन चुके हैं, दार्शनिक राजा की उपाधि भी प्राप्त है, दक्षिणी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं, और इसके अलावा ध्यान रखना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला वो भी कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। फिर आते हैं तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1967 से 69 रेगुलर रहे हैं,
यहाँ तक कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं आया है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के पद पर रहे, 67 से 69 तक रहे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के पद पर बने वो जाकिर हुसैन थे। पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले राष्ट्रपतियों में प्रथम नाम आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, जो राष्ट्रपति पद पर होते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। दूसरे उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति बने, पहला उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बना सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति से क्या बने, राष्ट्रपति बनने वाले थे। तो इसके बाद पहली बार लोकसभा और राज्यसभा में, संसद में अपना अभिभाषण हिंदी में प्रस्तुत करने वाले राष्ट्रपति भी कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दार्शनिक राजा सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये 69 तक का क्लियर हो गया। अब 69 से कार्यवाहक प्रणाली स्टार्ट हो जाती है विद्यार्थियों, वो देखिए वीवी गिरी साहब को पांचवें महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई से लेकर के जुलाई तक 1969 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे विद्यार्थियों। कार्यवाहक राष्ट्रपति के बाद निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में भी इनको चुना गया था। तो पहले ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्हें निर्वाचित राष्ट्रपति भी चुना गया वो थे आपके वीवी गिरी साहब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीवी गिरी, जिनके बारे में आज तक कितने ही क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आ चुके हैं विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना है, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है वीवी गिरी साहब है। पद से त्याग पत्र, राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति भी किसको माना जाता, प्रथम कार्य पद से त्याग पत्र देने वाले, अपने पद से त्याग पत्र कौन से पद से दिया था, अपने पद उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देकर के राष्ट्रपति बने थे, वो भी वीवी गिरी साहब थे। कार्यवाहक के बाद निर्वाचित राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति भी कौन रहे हैं, वीवी गिरी साहब। द्वितीय वरीयता से राष्ट्रपति बने हैं वो भी कौन है, वो भी आपके वीवी गिरी साहब है, जो प्रथम वरीयता में नहीं चुने गए। द्वितीय वरीयता सूची जब जारी की गई तो उस समय भारत के राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी साहब। तो ध्यान रखना है, द्वितीय वरीयता वीवी गिरी, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी, कार्यवाहक से प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने वीवी गिरी साहब, और राष्ट्रपति पद को पाने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले भी कौन थे, वीवी गिरी साहब थे। इसके अलावा ट्रेड यूनियन से संबंध रखने वाले राष्ट्रपति भी कौन रहे हैं, वीवी गिरी साहब। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वीवी गिरी, ध्यान रखना, ट्रेड यूनियन से संबंध रखते हैं वीवी गिरी साहब। अब आता है हिदायतुल्ला, ध्यान रखना विद्यार्थियों, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाता है कौन, उपराष्ट्रपति। ये कहता है अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति अगर अपने पद पर मृत्यु हो जाए या किसी कारण से उसको त्याग पत्र देना पड़े तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है कौन, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं हो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति भी नहीं हो, तो उस समय राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और अब तक के इतिहास में एक ही उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है जो कि राष्ट्रपति बनाया गया, वो थे आपके कौन, हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला कैसे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, वीवी गिरी साहब जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा दे दिया। तो उपराष्ट्रपति पद से जैसे ही उन्हें इस्तीफा दिया तो ना तो राष्ट्रपति बना बचा और ना ही उपराष्ट्रपति बचा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया 7 जुलाई से लेकर अगस्त के महीने तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और कार्यवाहक राष्ट्रपति
बनने के बाद फिर उपराष्ट्रपति, ज्यादातर राष्ट्रपति कैसे बने, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो कि राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति बने, और सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा न्यायाधीश जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बना वो भी हिदायतुल्ला साहब थे। विद्यार्थियों ध्यान रखना है, विद्यार्थियों आपको तभी आप सक्सेस हो पाओगे, सफलता हासिल कर पाओगे। तो हिदायतुल्ला 69 से लेकर के 69 तक रहे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति बने वो है हिदायतुल्ला। कार्यवाहक राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति पद को प्राप्त करने वाले भी रहे हैं आपके हिदायतुल्ला। तो ये 5 राष्ट्रपतियों के बारे में हमने डिस्कस किया है। छठे आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जो कि 1974 से लेकर के 1977 तक भारत के राष्ट्रपति बने, और जमानत राशि का प्रावधान, राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि का प्रावधान भी इनके समय से ही प्रारंभ किया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। आपातकाल 1975 में आंतरिक अशांति को लेकर के जो हमारे देश में आपातकाल लगाया गया था, जिस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी इंदिरा गांधी, तो आपसे पूछा जा सकता है। जब हमारे देश में आंतरिक अशांति के आधार पर जब क्या लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है फखरुद्दीन साहब, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, जमानत राशि का प्रावधान उनके समय में हुआ था, जो कि 1974 से लेकर के 1977 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ध्यान रखना विद्यार्थी, 1950 से 62 राजेंद्र प्रसाद, 62 से 67 राधा कृष्णन, 67 तक ये रहे, 67 से 69 जाकिर हुसैन रहे, 69 से लेकर 74 वीवी गिरी रहे, और 69 में आपके हिदायतुल्ला रहे, 74 से लेकर के 77 तक रहे आपके फखरुद्दीन अली अहमद साहब। अब आते हैं बीडी जत्ती साहब, जो कि 1977 में क्या बने, हमारे भारत के राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कौन बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो तीसरी नंबर पे है कार्यवाहक राष्ट्रपति, वे नाम है बीबी जत्री साहब का, पहले हैं वीवी गिरी, वीवी गिरी के बाद में आते हैं हिदायतुल्ला, और तीसरे आते हैं आपके बीडी जत्री साहब। बीडी जत्ती साहब जो कि दूसरे महीने फरवरी से लेकर के जुलाई तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, एकमात्र ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्होंने प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई, वो भी कौन रहे हैं आपके बीडी जत्ती साहब, जो अपने पद पर रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हुए किसको शपथ दिलाई, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले भी यही थे, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, वो है आपका नीलम संजीव रेड्डी, जो कि 1977 से लेकर 1982 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे, भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जो बिना किसी विरोध के, ध्यान रखना बच्चों, द्वितीय वरीयता आ जाए तो वीवी गिरी करना है, और निर्विरोध, निर्दलीय आ जाए तो भी वीवी गिरी करना है, लेकिन सॉरी निर्विरोध आ जाए तो उस समय आपको नीलम संजीव रेड्डी रख करना है। अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध राष्ट्रपति बने हैं नीलम संजीव रेड्डी। ये दो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं नीलम संजीव रेड्डी का, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या ये जो तथ्य हैं ये आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति है। नीलम संजीव रेड्डी अब तक के राष्ट्रपतियों में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपतियों में से माने जाते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। उसके बाद आते हैं ज्ञानी जेल सिंह, जिनका कार्यकाल 1982 से लेकर के 1987 तक रहा। ज्ञानी जेल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति, अगर आपसे पूछ लिया जाए, मुस्लिम पूछ ले तो आपको करना है जाकिर हुसैन, प्रथम आपको दार्शनिक राजा पूछ ले तो आपको करना है सर्वपल्ली राधा कृष्णन, और लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम सिख राष्ट्रपति, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों ज्ञानी जेल सिंह ही पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए पहली बार जेबी वीटो पावर का उपयोग किया, डाकघर विधेयक के मामले में
डाकघर विधेयक के मामले में पहली बार वीटो पावर का यूज करने वाले थे आपके कौन, यानी जेल सिंह, ठीक है, नाम के महासचिव। आपको पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि भारत में अब तक के जितने भी नाम सम्मेलन हुए हैं उसमें एक नाम सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में, जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय नाम का एकमात्र अधिवेशन भारत में हुआ और उस समय नाम का महासचिव बनाया गया था ज्ञानी जेल सिंह को, ठीक है विद्यार्थियों। फिर आता है वेंकट रमन। वेंकट रमन सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले थे वेंकट रमन साहब, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो भी थे आपके वेंकट। जाकिर हुसैन की भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, फखरुद्दीन साहब की भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, और वेंकट रमन साहब जो कि 1987 से लेकर 1992 तक भारत के राष्ट्रपति रहे उनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो आपने आज हमने कितने 9 राष्ट्रपतियों के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में आपके आने वाले हैं, आए हुए हैं, उन्हीं तथ्यों को मैंने यहाँ पर उठाया है विद्यार्थियों। तो आप आगे के वीडियोस में जो अपने शेष रहे राष्ट्रपति हैं उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। तो आज हमने राष्ट्रपति और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस किया। ध्यान रखना, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को कॉपी में लिखना है, याद करना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे आगामी वीडियोस में आप देखेंगे, उनको सॉल्व कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए ताकि आप ये समझ सके हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, सफलता के कितने नजदीक पहुँच सके ये जानने के लिए, समझने के लिए। नव भारतीय स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।